अगर तुम लोगों ने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क देख लिया है तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि उसका अगला आर्क है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्क है पूरी डीमन स्लेयर सीरीज का, क्योंकि इसमें हमें सारे हाशिरास के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलेगा, साथ ही उन्हें पहली बार एक्शन में भी देखने को मिलेगा। इस आर्क में हम गियू की बैक स्टोरी भी देखेंगे और इस आर्क के एंड में यानी कि इस वीडियो के एंड में पूरी डीमन स्लेयर सीरीज का सबसे बड़ा क्लिफहैंगर देखने को मिलेगा, क्योंकि मुजान किबुत्सुजी कुछ ऐसी हरकत करेगा जो देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस आर्क के खत्म हो जाने के बाद से ही फाइनल फाइट भी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें पता है यार डीमन स्लेयर वाले ज्यादा टाइम पास करते नहीं है, वो सीधा मेन चीज दिखाते हैं। खैर, सो हे गाइस, दिस इज अर्जित एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के एंड में हम लोग देखते हैं कि नेजुको को एक कमाल की पावर मिल जाती है, यानी कि अब वो बिना किसी दिक्कत के सनलाइट के नीचे रह सकती है। साथ ही साथ उसके मुंह से वो बैम्बू भी निकल गया है तो वो आराम से बात भी कर सकती है। एंड फाइनल फाइट के दौरान तांजिरो अपर मून 4 को भी हरा देता है। जब हाशिरा ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट होता है तब हमें सबसे पहली चीज बताई जाती है कि जो स्वॉर्डस्मिथ विलेज था, अब क्योंकि वो बहुत ही मेन चीज थी और उसके ऊपर अपर डीमंस ने भी हमला कर रखा था, इसलिए वो लोग अब विलेज को किसी और सेफ जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि हायर अप्स को पहले से ही पता था ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी तो आएगी, इसलिए उन लोगों ने पहले से ही कुछ जगह सॉर्ट आउट कर रखी थी। साथ ही हमें कमाल की चीज भी पता चलती है कि भले ही विलेज पर दो अपर मून्स ने हमला कर दिया था, लेकिन फिर भी हाशिरास के कमाल के काम की वजह से विलेज को बहुत ही कम नुकसान पहुंचा। फिर हम पहली चीज देखते हैं कि तांजिरो उस फाइट के बाद हॉस्पिटलाइज हो गया था और लगभग 7 दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में ही था। तभी डीमन स्लेयर रेस्क्यू टीम का मेंबर गोतो तांजिरो से एक बात पूछता है कि उसने सुना है कि उसकी बहन को कुछ बहुत ही कमाल का हुआ है, लेकिन उसे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उसकी बहन को क्या हुआ है, जिस पर तांजिरो बताता है कि अब वो सन के नीचे भी चल सकती है और बिना किसी दिक्कत के बोल सकती है, यानी कि वो पहली डीमन है जिसने सन को कॉन्करर किया है, यहाँ तक कि मुजान भी ये नहीं कर पाया था। और गोतो के पूछने पर तांजिरो फ्लो में बता देता है कि ये काम लेडी तामायो ने किया है, लेकिन लेडी तामायो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि तुम पब्लिक में बात कर सकते हो। इसीलिए जैसे ही गोतो पूछता है कि लेडी तामायो कौन है, तांजिरो हाथों हाथ टॉपिक चेंज कर देता है। तभी हम सभी का फेवरेट ज़ेनित्सु बटरफ्लाई मेंशन में आ जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि नेजुको अब सन के नीचे भी चल सकती है और बात भी कर सकती है, लिटरली वो खुशी से चिल्ला पड़ता है, मतलब तुम उसके एक्सप्रेशंस देख सकते हो। और चिल्लाते हुए ज़ेनित्सु नेजुको का हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि अब वो कितनी ज्यादा क्यूट हो गई है, जिस पर नेजुको बोलती है थैंक यू इनोसुके। और ये सुनते ही ज़ेनित्सु फैसला कर लेता है कि वो इनोसुके को मार देगा, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले इनोसुके बटरफ्लाई मेंशन आया था और उसने ही नेजुको को अपना नाम बोलना सिखाया था, जिस चीज से ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी दिन फिर हम देखते हैं कि हाशिरास की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, जहां पर सानेमी, ओबोनोई, मुइचिरो, मित्सुरी, गियोमे, शिनोमु और हमारा फेवरेट गियू भी था। सारे हाशिरास एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और तभी वहां पर मेन उबुयाशिकी आ जाती है, यानी कि डीमन स्लेयर के लीडर कगाया की वाइफ हरसेल्फ। वो सारे हाशिरास को बताती है कि कगाया की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते, जिस पर स्टोन हाशिरा गियोमे अपने सर को झुकाता है और बताता है कि वो दिल से प्रे कर रहा है कि मास्टर कगाया की लाइफ ज्यादा से ज्यादा लंबी रहे। फिर कगाया की वाइफ अमाने सारे हाशिरास को बताती है कि हमने रिसेंटली एक ऐसे डीमन को भी देखा है जो कि सन के नीचे चल सकती है, एंड ऑब्वियसली वो नेजुको की बात कर रहे हैं। लेडी अमाने बताती है कि इसकी वजह से मुजान नेजुको को पकड़ने जल्द से जल्द आएगा, जिसका मतलब अब ज्यादा दिन नहीं है मुजान के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर करने के लिए। फिर वो बात करती है डीमन स्लेयर मार्क के बारे में, जो कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज में अपर मून से लड़ते हुए मुइचिरो और मित्सुरी के अनलॉक हो गए थे। अमाने सभी को एक्सप्लेन करती है कि जो पहले स्वॉर्डसमैन थे जिन्होंने रिसेंटली ही ब्रीदिंग स्टाइल्स को अनलॉक किया था और जो कि बस एक कदम दूर थे मुजान को हराने के, उन सभी के सर पर एक मार्क अपीयर हुआ था जिसे हाशिरा मार्क कहते हैं या फिर डीमन स्लेयर मार्क भी बोल देते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी, इतनी सीक्रेट कि ये चीज हाशिरास को भी नहीं पता थी, और इतना सीक्रेट होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन लगभग बची ही नहीं। और अब उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि डीमन स्लेयर मार्क जैसी कोई चीज है, लेकिन वो कैसे अनलॉक होती है और उसके लिए क्या करे ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता। अमाने फिर बताती है कि जिस इंसान ने दशकों बाद इस मार्क को अनलॉक किया है वो तो एक हाशिरा भी नहीं है, बल्कि उस बंदे का नाम है तांजिरो कामाडो। जब उन लोगों ने तांजिरो से पूछने की कोशिश करी कि वो मार्क कैसे अनलॉक हुआ, तब तांजिरो को इसका कारण खुद नहीं पता था,
इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो तांजीरो को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि दो हाशिरास ने भी उस मार्ग को अनलॉक कर लिया है, इसलिए वो लोग अपना सर झुकाते हैं और दोनों हाशिरास से पूछते हैं कि प्लीज हमें बताइए कि ये मार्ग कैसे अनलॉक हुआ। हालांकि मित्सुरी को भी नहीं पता था कि ये कैसे अनलॉक हुआ, इसलिए वो कुछ फालतू की बातें करती है। जैसे वो कुछ अजीब अजीब आवाजें निकाल कर बताती है कि उसकी हार्ट बीट ऐसी आवाज कर रही थी। और थोड़ी बेतुकी बातों के बाद मुइचिरो कुछ ढंग की बात करता है। मुइचिरो बताता है कि उनकी फाइट के दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, साथ ही उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन भी आ गया था। और तभी उसकी बुरी यादें उसके दिमाग पर काबू कर लेती हैं। जो भी उसके साथ पास्ट में बुरी चीजें हुई थी वो सभी उसे याद आने लगती है, और उसके हिसाब से यही वो कारण था जिस वजह से मुइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर पाया। हालांकि वो इतने गुस्से में था कि उसे खुद नहीं पता था कि उसने कोई मार्क भी अनलॉक कर लिया है। अब इस डिस्क्रिप्शन के साथ बाकी के हाशिरास थोड़े कंफ्यूज थे। सानेमी बोलता है कि क्या इतना ज्यादा सिंपल है एक हाशिरा मार्क अनलॉक करना। लेडी अमाने फिर बोलती है कि जो भी हो, जिन लोगों ने अब तक मार्क को मैनिफेस्ट कर लिया है बहुत देर हो चुकी है, और जिन लोगों ने अभी तक मार्क मैनिफेस्ट नहीं करा वो सभी लोग। लेडी अमाने फिर वहां से उठकर चली जाती है, और बाकी के हाशिरास डिसाइड करते हैं कि अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है तो उन लोगों को एक मीटिंग करनी चाहिए। तभी गियू उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को बात करनी चाहिए, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। जिससे बाकी के हाशिरास कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ तो गुस्सा भी हो जाते हैं कि क्या गियू खुद को हमारे बराबर नहीं समझता। लेकिन गियू अपनी बात को क्लियर नहीं करता और वहां से जाने लगता है। तभी सानेमी गुस्सा होकर गियू से बोलता है कि क्या तुम हमें छोटा समझते हो, जिस वजह से हमारे साथ मीटिंग करना तुम्हारे लिए शर्म की बात है। लेकिन गियो उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगता है। और तभी स्टोन हाशिरा द बीस्ट गियो में बोलता है कि सभी के सभी बैठ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। और क्योंकि गियो में की बात को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए उनकी एक मीटिंग होती है। फिर हम देखते हैं हागनेजुका को, जो कि बटरफ्लाई मेंशन तांजीरो से मिलने आता है, और वो तांजीरो को अपनी नई तलवार देता है जिसके अंदर रेनगोकू की तलवार का हेल्ट भी लगा हुआ था। तांजीरो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो तलवार कितनी ज्यादा सुंदर है। हागनेजुका बताता है कि ये बहुत ही कमाल के मटेरियल से बनी हुई थी, ऐसा मटेरियल जो कि आज के टाइम पर मिलना नामुमकिन है, और इस तलवार को पहले जो भी यूज करता था वो बहुत ही कमाल का स्वॉर्ड्समैन होगा। साथ ही उस ब्लेड के ऊपर कांजी में लिखा था मित्सु, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, जो कि शायद डीमंस के लिए लिखा था कि डीमंस का डिस्ट्रक्शन। और इसलिए आज के टाइम पर सारे हाशिरास की ब्लेड पर लिखा होता है आकिमिसात्सु, जिसका मतलब है सारे डीमंस का खात्मा। तांजीरो बोलता है कि उसने ये कांजी को पहले तो नहीं देखा था स्वॉर्ड के ऊपर, जिससे हागनेजुका बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि तांजीरो ने उसे बिना कंप्लीट हुए ही यूज कर लिया था। और वो तांजीरो को तब छोड़ता है जब तांजीरो से वादा करता है कि आज से वो रोज हागनेजुका को एक डंपलिंग लाकर देगा, जो कि शायद से उसकी फेवरेट डिश है। तभी तांजीरो के पास में लेटा गेनिया बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, जिस पर तांजीरो से सॉरी बोलता है क्योंकि हागनेजुका वहां से जाने ही वाला था। लेकिन तभी चिल्लाते हुए और खिड़की तोड़ते हुए इनोसुके रूम के अंदर आ जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है कि हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को जो कि एक स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसे कहते हैं हाशिरा ट्रेनिंग। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जो भी हाशिरा से नीचे रैंक करते हैं उन सभी को हाशिरास ट्रेन करते हैं ताकि वो भी स्ट्रांग हो सके। और ये स्पेशल ट्रेनिंग इसलिए है क्योंकि हाशिरास के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो अपने से लोअर रैंक्स को सिखा सके, उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए एक हाशिरा से ट्रेनिंग लेना बहुत बड़ी बात होती है। और इसका एक मेजर कारण ये भी है कि जब से नेजुको में वो चेंज आया है, यानी कि जब से वो सन के नीचे चलने लगी है, सारे के सारे डीमंस का हमला करना बिल्कुल खत्म हो गया है। और उस दिन के बाद से किसी लोअर मून ने भी कहीं पर अटैक नहीं करा, और शायद ये तूफान से पहले आने वाला सन्नाटा है, इसलिए सारे हाशिरास बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने से लोअर रैंक वालों को ट्रेन भी कर रहे हैं। ये सुनते ही तांजीरो खुशी से कूद पड़ता है क्योंकि एक हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करना बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन ज़ेनित्सु ये सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करना मतलब मौत को दावत देना, पता नहीं वो स्ट्रिक्ट होने के चक्कर में कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाएंगे। तांजीरो फिर उसे बताता है कि अपने से पावरफुल के साथ स्पारिंग करना और उनसे चीजें सीखना, इसी से तो स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन ज़ेनित्सु गुस्से में कहता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो आज से हम दोस्त नहीं है। और तांजीरो से कहता है कि आज के बाद उससे बात करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और गुस्से में ज़ेनित्सु वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी तांजीरो से रोकता है और बोलता है कि अपर मून के साथ फाइट के दौरान उसने ज़ेनित्सु की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज करी थी, जो कि खुद ज़ेनित्सु ने ही उसे सिखाई थी। अगर तुम लोगों ने मेरी स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क
टैंक वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि तांजिरो किस बारे में बात कर रहा है। और ये सुनते ही इंस्टेंटली ज़ेनित्सु खुश हो जाता है और बोलता है कि बेवकूफ, इससे मेरा मूड चेंज नहीं होगा, जबकि वो पागलों की तरह खुश होकर वहां से जाने लगता है। तभी रूम के अंदर एक कौवा आता है और वो सीधा तांजिरो के सर पर हिट कर देता है। वो कौवा तांजिरो के लिए बेसिकली एक लेटर लाया था। उस मिस्टीरियस लेटर के मिलने के बाद हम एक सीन शिफ्ट देखने को मिलता है जहां पर हम देखते हैं रिटायर गॉड लेजेंड हिमसेल्फ तेंगेन उजुई को, जो कि उससे लोअर रैंक वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहा था और उन्हें बोल रहा था कि तुम लोग जमीन चाटना बंद करो, पहले तो तुम लोग लेट हो, ऊपर से तुम इतने कमजोर भी हो, क्या तो तुम किसी डीमन से फाइट करोगे, तुम्हारे लिए तो एक स्पेशल कैटेगरी बननी चाहिए, वीकेस्ट डीमन स्लेयर। और वो अपनी बैम्बू स्टिक से उन्हें मारने लगता है। फिर हम हाशिरा ट्रेनिंग का कोर्स देखते हैं जहां पर सबसे पहले तो तुम्हें तेंगेन उजुई ट्रेन करेंगे और वो तुम्हें बेसिक फिटनेस वर्कआउट सिखाएंगे। इस स्टेज को कंप्लीट करने के बाद मित्सुरी तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ लेसन्स देंगी और उसके बाद मुइचिरो तोकी तो हाई स्पीड मूवमेंट सिखाएंगे। फिर तुम लोग सीखोगे स्वॉर्ड्समैनशिप सरपेंट हाशिरा के साथ और एक साथ इन्फिनिट स्ट्राइक्स कैसे करें ये सीखोगे हमेशा गुस्से में रहने वाले सानेमी के साथ। एंड फाइनली द बीस्ट हिमसेल्फ गियोमे द स्टोन हाशिरा तुम्हें सिखाएंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और ये पूरा कोर्स इतना ज्यादा दर्दनाक होने वाला है कि इसे सारे लोग पूरा कर भी नहीं पाएंगे। और इस चीज से सिर्फ लोअर रैंक्स का ही नहीं हाशिरा का भी फायदा होता है क्योंकि उन्हें फ्री में ट्रेनिंग करने को मिल जाता है और वो बिना थके सारे उनसे लोअर रैंक वालों से लड़ते हैं। और अगर इतनी ट्रेनिंग के बाद हाशिरास कभी अपना मार्क भी अनलॉक कर लेते हैं तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और जिन लोगों ने अपना मार्क पहले से ही मैनिफेस्ट कर लिया है उन्हें बस अपनी कंडीशन मेंटेन रखनी है। अब हाशिरा ट्रेनिंग को समझने के बाद हम देखते हैं गियु को, जो कि हाशिरा ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। हम देखते हैं गियु अपने घर में अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था कि तभी वहां पर तांजिरो आ जाता है और बिना किसी हेजिटेशन के गियु के घर में घुसकर उससे फ्रैंकली बातें करने लगता है, जबकि गियु इससे बिल्कुल खुश नहीं था। तांजिरो से बोलता है कि आज से 7 दिन बाद वो हाशिरा ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा और एक पावरफुल स्पोर्ट्समैन बनेगा। साथ ही तांजिरो ये भी चाहता है कि वाटर हाशिरा गियो उसे ट्रेन करे, जिस पर सिंपली गियो मना कर देता है। गियो बोलता है कि वो तांजिरो से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो वाटर हाशिरा बनने की ट्रेनिंग नहीं ले रहा, साथ ही अपनी वाटर ब्रीदिंग को चेंज भी कर रहा है। तांजिरो इस पर माफी मांगता है और बोलता है, मैंने उरोकुडाकी से बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि ये काफी ज्यादा रेयर है कि कोई अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को चेंज कर ले, बट स्टिल ऐसा हो सकता है। जिस पर गियो बोलता है कि ऐसा मत बोलो, अभी तुम्हारी जरूरत है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स को एक वाटर हाशिरा की जरूरत है। तांजिरो थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि तुम वाटर हाशिरा हो तो सही, जिस पर वो बोलता है कि मैं गियो तोमियो का वाटर हाशिरा नहीं हूँ। अब ये सुनकर तांजिरो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और उस लेटर के बारे में सोचने लगता है जो कि एक कौवा उसे देकर गया था। वो लेटर मास्टर कगाया की तरफ से था और उसमें उन्होंने लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पा रहे हैं और उन्हें गियो से बात करना बहुत जरूरी है। मास्टर उस लेटर में कहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जब सारे डीमन स्लेयर्स को एक साथ रहने की जरूरत है, लेकिन गियो हमेशा अकेले रहना ही पसंद करता है और इसीलिए मास्टर कगाया तांजिरो से मदद मांगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए गियो से बात कर सकते हो। और तांजिरो जैसे ही उस लेटर को याद करता है उसमें एनर्जी आ जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो गियो को मना कर ही मानेगा। इसीलिए तांजिरो 24 घंटा गियो के पास रहता था और नॉनस्टॉप उससे बातें करता रहता था। और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि गियो को लगने लगा कि क्या ये सब जिंदगी भर चलने वाला है। हालांकि दर्दनाक 4 दिनों के बाद फाइनली गियो डिसाइड करता है कि वो तांजिरो से बात करेगा और तांजिरो को रिवील करता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन को पास नहीं करा। उसी का एक दोस्त था जिसका नाम था साबितो, जिसे हम डीमन स्लेयर सीजन 1 में देख चुके हैं। उसके बाल थोड़े रेडिश कलर के थे और उसके अंदर कमाल का पोटेंशियल था। हम दोनों ने साथ में ही फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दी थी, लेकिन जहां एक तरफ साबितो ने सारे के सारे डीमंस को सिंगल हैंडेडली हरा दिया था और आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि इस सब के बाद भी साबितो ने फाइनल सिलेक्शन पार नहीं करा। फाइनल सिलेक्शन में जब गियो पहले डीमन से लड़ाई करता है तब गियो इतना ज्यादा कमजोर था कि वो पहला ही डीमन गियो की 12 बजा देता है, लेकिन वो डीमन गियो को मार देता उससे पहले ही वहां पर साबितो आ जाता है और गियो को बचा लेता है। अगली चीज जो उसे याद है वो ये है कि वो होश हो जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसे पता चलता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन को पार कर लिया और साबितो मारा गया। और यही वो कारण है कि गियो कभी भी खुद को हाशिरा नहीं समझता, यहाँ तक कि वो खुद को एक डीमन स्लेयर भी नहीं मानता। और जब वो बाकी के हाशिरास के साथ खड़ा होता है तब उसे अंदर ही अंदर शर्म आती है। फिर गियो वहां से जाने लगता है और तांजिरो से ये बोलता है कि वो कभी भी मार्क मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन साबितो कर सकता था। तो तुम अपना टाइम मेरे ऊपर बिल्कुल वेस्ट मत करो, तुम्हारे पास और
और भी अच्छी चीजें हैं करने के लिए। तांजिरो मन ही मन में सोचने लगता है कि गियू को अभी कैसा लग रहा होगा, और तांजिरो उस फीलिंग को बहुत ही अच्छे से समझता है, क्योंकि रेंगोकू जो कि एक हाशिरा था उसने सिर्फ तांजिरो को बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी, जबकि रेंगोकू एक बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत ही पावरफुल भी था, लेकिन उसने किसी तांजिरो जैसे रैंडम डीमन स्लेयर को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। और तांजिरो भी बस यही चाहता है कि काश वो रेंगोकू की जगह उस दिन मारा जाता। थोड़ा सोचने के बाद फिर तांजिरो बोलता है कि क्या तुम उस गिफ्ट को ऐसे ही वेस्ट होने दोगे जो कि साबितो ने तुम्हें अपनी जान के बदले दिया है। और ये सुनते ही वाटर हाशिरा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी गियू को याद आता है कि एक बार साबितो ने उसे चांटा मार दिया था, क्योंकि गियू उससे बोल रहा था कि मैं इतना कमजोर हूँ, इससे बेहतर तो मैं मारा जाऊं। जो सुनकर साबितो उसे चांटा मार देता है और मना करता है आज के बाद फिर ये बोलने से। साबितो कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा और कमजोरों की मदद भी करनी होगी, ताकि जिन लोगों ने तुम्हें बचाया है, तुम पर भरोसा किया है, उन्हें तुम डिसरिस्पेक्ट ना करो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गियू अपने मन में साबितो और सुताको दोनों से ही कहता है कि तुम्हारे दिए हुए इस गिफ्ट को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। अब क्योंकि गियू कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए तांजिरो को लगता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। गियू फिर डिसाइड करता है कि वो तांजिरो को ट्रेन करेगा, लेकिन तभी तांजिरो गियू का मूड अच्छा करने के लिए उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ खाने का कॉम्पिटिशन करोगे, जिसे वाटर हाशिरा मना नहीं कर पाता है। फिर हम एक बटरफ्लाई मैंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनोबू मंदिर के सामने बैठी थी और वो खुद से कहती है कि सब कुछ ठीक है, काम डाउन, क्योंकि शिनोबू का गुस्सा उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। वो खुद से बोलती है कि सिर्फ इमेच्योर ही खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर कानाओ आ जाती है और वो शिनोबू से बोलती है कि आपका स्वागत है मास्टर, और क्या मैं स्टोन हाशिरा के साथ ट्रेनिंग कर लेने के बाद आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। जिस पर फिर शिनोबू बोलती है कि वो बिल्कुल कानाओ के साथ ट्रेनिंग करना चाहेगी, जिससे दोनों का ही मूड काफी अच्छा हो जाता है। और वो कानाओ को कॉम्प्लीमेंट भी करती है कि अब तुम काफी अच्छे से बोलने लगी हो। और तभी शिनोबू काफी सीरियस बात करती है कि कैसे वो लोग उस डीमन को मारेंगे जिसने उनकी बड़ी बहन कानाए को मारा था, और यहाँ पर वो बात कर रही है अपर मून टू डोमा की। फिर हम एक रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक कौवा लेडी टामायो के पास जाता है और उनसे बोलता है कि रात में खिड़की खुली छोड़ना बिल्कुल सेफ नहीं है। तभी वो कौवा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो कगाया उबिया शिकी का मैसेंजर है, और तामायो ने अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छी तरीके से छुपा कर रखा है। फिर मास्टर कगाया का पर्सनल मैसेंजर कुछ सीरियस बातें करता है। मैसेंजर तामायो को बताता है कि मास्टर चाहते हैं कि तामायो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ मिलकर काम करे और उबिया शिकी मैंशन पर नेजुको को स्टडी करे और फाइनली मदद करे मुजान कीबुत्सुजी को हराने के लिए। जो सुनकर तामियो कम्प्लीटली शॉक्ड, और वो सोचने लगती है कि भले ही मैं एक डीमन हूँ, फिर भी डीमन स्लेयर्स मेरे साथ काम करना चाहते हैं। फिर तांजिरो जो कि हांतेंगो की फाइट से रिकवर कर चुका था, अब हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट ले लेता है, और वो हाशिरा ट्रेनिंग की पहली स्टेज तेंगेन उजुई के साथ ट्रेनिंग करने चला जाता है। तेंगेन उसे देखकर काफी खुश होते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लगभग 10 दिनों में तांजिरो अपनी पहली स्टेज यानी कि साउंड हाशिरा के साथ ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। फिर वहां से सीधा तांजिरो जाता है मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो के पास, और मुइचिरो के साथ स्पारिंग करते हुए वो तांजिरो को कॉम्प्लीमेंट करता है कि उसके मूवमेंट्स अब काफी ज्यादा फास्ट हो गए हैं और अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। फिर लगभग 5 दिनों तक मिस्ट हाशिरा तांजिरो को ट्रेनिंग देता है और उसके मूवमेंट्स को काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है। 5 दिनों में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद तांजिरो लव हाशिरा के पास जाता है और मित्सुरी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड थी, इसीलिए मित्सुरी सारे डीमन स्लेयर्स को डांस और म्यूजिक के साथ ट्रेनिंग देती है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाती है। फिर तांजिरो जाता है सर्पेंट हाशिरा ओबोनोई के पास। हालांकि ओबोनोई तांजिरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो ओबोनोई के साथ ट्रेनिंग करता है। ओबोनोई की मेन ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से थी कि एक रूम के अंदर काफी सारे डीमन स्लेयर्स अलग अलग जगह पर बंधे हुए थे और वही उनकी बैटल फील्ड थी, यानी कि तांजिरो और ओबोनोई को वहीं पर स्पारिंग करनी थी। और कमाल की बात यह है कि अगर उनके मूवमेंट्स गलत हुए तो वो किसी रैंडम और मासूम डीमन स्लेयर को अपनी तलवार से हिट कर देंगे। भले ही ओबोनोई भी तांजिरो की तरह एक वुडन स्वॉर्ड यूज कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तलवार एक सांप की तरह सारे डीमन स्लेयर्स के बीच से होते हुए तांजिरो को हिट कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तलवार ऑटो टारगेट पर सेट है। हालांकि जैसे तैसे तांजिरो ओबोनोई की जो हावरी थी, यानी कि वो जो अपनी ड्रेस के ऊपर पहनते हैं उसे हावरी बोलते हैं, तांजिरो ओबोनोई की हावरी पर एक कट मार देता है, जिससे ओबोनोई उसे नेक्स्ट सेक्शन में जाने की परमिशन दे देता है और साथ ही में उसे ये भी याद दिलाता है कि वो मित्सुरी के ज्यादा पास ना जाए और मित्सुरी से ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश ना करे। फिर तांजिरो विंड हाशिरा सानेमी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए निकल पड़ता है और तभी उसे रास्ते में दिख जाता है जेनित्सु, जो कि बहुत ज्यादा डरा
हुआ था क्योंकि अभी वो सानेमी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और सानेमी के साथ ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड है कि ज़ेनित्सु लिटरली रोने लग रहा था। ज़ेनित्सु रोते हुए तांजिरो से मदद मांगता है और उसे वहां से भगा कर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहां पर विंड हाशिरा सानेमी आ जाता है और उससे बोलता है कि चुपचाप ट्रेनिंग पर वापस जाओ, जिस पर ज़ेनित्सु चिल्लाने लगता है। इसीलिए सानेमी उसे नॉकआउट कर देता है और तांजिरो से कहता है कि उसे मेरे पीछे लाओ। रास्ते में तांजिरो सानेमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सानेमी उसे याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त नहीं है और वो उसे पसंद भी नहीं करता है। सानेमी की ट्रेनिंग अब तक सारे हाशिराज में सबसे ज्यादा क्रूअल थी। पूरे सेशन के बाद सारे डीमन स्लेयर्स का खून ही खून फ्लोर पर पड़ा रहता था और तांजिरो को ये भी पता चलता है कि सानेमी उसके साथ स्पेशली थोड़ा ज्यादा ही टफ था। ट्रेनिंग के बाद तांजिरो की हालत बहुत बुरी हो गई थी, इसलिए वो अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी वो रास्ते में देखता है कि गेनिया सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर सानेमी कहता है कि उसका कोई छोटा भाई नहीं है और अगर उसने ये नाटक करना बंद नहीं करा तो वो उसे जरूर मार देगा। अब ये सुनकर गेनिया पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो बोले क्या। सानेमी फिर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसके पास फालतू का टाइम नहीं था, लेकिन गेनिया उसे रोकता है और उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था और मुझे वैसा बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए था। तांजिरो ये सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन गेनिया को सपोर्ट कर रहा था। गेनिया अपने बड़े भाई से बोलता है कि वो ब्रीदिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसने खुद को ताकतवर करने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि वो डीमंस को खा सकता है। सानेमी वहीं पर रुक जाता है और पलटकर गेनिया से पूछता है कि तुमने क्या खाया, और तभी सानेमी वहां से गायब हो जाता है। गेनिया पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि वो गया कहां पर, और इससे पहले कि सानेमी गेनिया को मार देता, तांजिरो टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। तांजिरो गेनिया को लेकर सीधा फैसिलिटी के बाहर गिर जाता है और ज़ेनित्सु के साथ साथ बाकी के डीमन स्लेयर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तांजिरो सानेमी से पूछता है कि वो अपने भाई को मारना क्यों चाहता है, जिस पर सानेमी बोलता है कि मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन इतना मारूंगा कि ये कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगा और फाइनली डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देगा। तांजिरो कहता है कि उसने अपर रैंक को हराने में बहुत ज्यादा मदद की है और इसीलिए उसका भाई बिल्कुल यूजलेस नहीं है। सानेमी फिर तांजिरो पर हमला कर देता है और उसे पेट में एक पंच मार देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली तांजिरो सानेमी का अटैक ब्लॉक कर लेता है और उल्टा उसे ही किक मार देता है। और ये लड़ाई शुरू होते ही तांजिरो ज़ेनित्सु से बोलता है कि गेनिया को लेकर यहाँ से फटाफट निकलो, और ज़ेनित्सु करता भी ऐसा ही है। ज़ेनित्सु फिर गेनिया से बोलता है कि उसका भाई कितना बड़ा गधा है, लेकिन ये सुनते ही गेनिया ज़ेनित्सु को एक पंच मार देता है, जिसके बाद से उस जगह पर ब्रॉल हो जाता है और सारे डीमन स्लेयर्स उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं और ये खतरनाक ब्रॉल शाम तक चलता है, जिसके बाद तांजिरो को उसके सीनियर से डांट पड़ती है और हायर अप डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो सानेमी से कभी नहीं मिलेगा और उन दोनों के आपस में मिलने को ही बैन कर देते हैं। इन दी एंड तांजिरो की कोशिश गेनिया और सानेमी को साथ में लाने की नाकाम हो जाती है। फिर तांजिरो और ज़ेनित्सु अपने अगले ट्रेनिंग सेशन पर जाते हैं, जो कि था स्टोन हाशिरा गियोमे के साथ। वहां पर वो लोग देखते हैं कि इनोस्के और बाकी के डीमन स्लेयर्स एक झरने के नीचे बैठकर मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी स्टोन हाशिरा गियोमे उनका स्वागत करता है, जो खुद भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मेडिटेट कर रहा था। और ज़ेनित्सु ये देखकर पागल हो जाता है कि कैसे स्टोन हाशिरा गियोमे आग के ऊपर बैठकर और अपने ऊपर कई किलो का वजन डालकर मेडिटेट कर रहा था। गियोमे फिर उसकी ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस समझाता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे हाथ पैर बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे तो तुम कभी भी किसी चीज को हिट करने से पहले सोचोगे नहीं, और इवेंचुअली इससे तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। गियोमे की ट्रेनिंग काफी ज्यादा छोटी है, जिसमें सिर्फ तीन ही स्टेप्स हैं। पहला, झरने के नीचे बैठकर ध्यान लगाना होगा, जिसके बाद तुम्हें बहुत भारी तीन लॉग्स को उठाकर ट्रेनिंग करनी होगी, और फाइनली सबसे भारी प्योर पत्थर को हिलाना होगा, जो कि कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, वो लिटरली 2 से 3 मीटर का पत्थर था, जिसका लगभग वजन एक ट्रक के बराबर होगा, और क्योंकि इसमें ट्रक की तरह पहिए नहीं लगे हैं तो इसे हिलाना बहुत ही मुश्किल होगा। भले ही ये ट्रेनिंग सिंपल लग रही थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसीलिए ज़ेनित्सु की तो 12 ही बज चुकी थी, यहाँ तक कि इनोसुके भी वाटरफॉल ट्रेनिंग में बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब तांजिरो वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग करना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि गियोमे में कितनी ज्यादा पावर है और इस ट्रेनिंग से उनका फोकस कितना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फिर शाम को जब वो लोग साथ में खाना खा रहे थे, तब इनोस्के उन्हें बताता है कि ये वाला जो हाशिरा है, ये पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हाशिरा है, और तांजिरो भी इस बात से सहमत
सहमति जताता है क्योंकि उसने ग्योमे के अंदर से बाकी हाशिरा से काफी अलग सेंट आती है। फिर जेनित्सु कहता है कि जो भी हो लेकिन उस पत्थर को हिलाना तो नामुमकिन है और मुझे नहीं लगता कि स्टोन हाशिरा खुद भी उस पत्थर को हिला पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टोन हाशिरा उससे डबल साइज के पत्थर को आसानी से हिला देता है। जैसे तैसे तांजिरो, इनोस्के और जेनित्सु स्टोन हाशिरा की पहली दो स्टेजेस को कम्प्लीट कर लेते हैं, पर अभी भी उस बड़े से पत्थर को हिलाना उनके लिए नामुमकिन था। ग्योमे की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड थी और इसलिए वो कंपलसरी भी नहीं थी। अगर तुम लोग चाहो तो इस ट्रेनिंग को स्किप कर सकते हो, फिर भी यही माना जाएगा कि तुमने पूरी हाशिरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। लेकिन जो लोग एक्सेप्शनली स्ट्रांग होना चाहते हैं वो इसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तांजिरो के सामने काफी सारे डीमन स्लेयर्स आते हैं लेकिन वो ग्योमे की ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद 6 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी अभी तक उस पत्थर को हिला भी नहीं पाया था। तांजिरो फिर ऐसे ही लेट कर रिलैक्स कर रहा था और तभी वहां पर गेन्ने आ जाता है और तांजिरो से पूछता है कि सानेमी और उसकी फाइट के बाद हुआ क्या, जिस पर तांजिरो बताता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि अब वो सानेमी से कभी मिल नहीं सकता और उसे इस बेवकूफी की वजह से काफी डांट भी पड़ी है। फिर गेन्ने तांजिरो से बोलता है कि उसके सर पे जो मार्क है अब वो पहले से ज्यादा डार्क लग रहा है और रिपीटेटिव मोशंस के बारे में भी बताता है जिसके बारे में तांजिरो को कुछ भी नहीं पता था। गेन्ने बताता है कि ग्योमे काफी कमाल का बंदा है लेकिन उसे सिखाना बिल्कुल नहीं आता और इसलिए वो कई बार इम्पोर्टेंट चीजें नहीं बता पाता। जैसे कि जब मैंने ग्योमे को ध्यान से देखा तो मैंने नोटिस किया कि वो एक रिपीटेटिव मोशन का यूज करता है पावर को बढ़ाने के लिए, जिसमें बेसिकली आपको एक ही चीज बार बार रिपीट करनी है जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पीक पर पहुंच जाती है एंड ऑब्वियसली पावर भी अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि गेन्ने और तांजिरो की बात को ग्योमे भी दूर खड़ा होकर सुन रहा था। फिर हम देखते हैं कि कुछ अजीब सी आंखें किसी डीमन स्लेयर का पीछा कर रही थी और वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि नाकीमे की थी, जो कि सारे पावरफुल डीमन स्लेयर्स की लोकेशन ढूंढ रही थी। और नाकीमे और मुजान दोनों ही इन्फिनिटी कैसल में बैठे हुए थे। नाकीमे बताती है कि उसने लगभग 60% डीमन स्लेयर्स की लोकेशन पता कर ली है लेकिन अभी तक उसे पता नहीं चल पाया है कि नेजुको और उबायाशी की मेंशन कहां पर है। मुजान फिर नाकीमे की तारीफ करता है कि वो कितनी ज्यादा कमाल की है और मन ही मन में कहता है कि वो जल्द ही नेजुको और उबायाशी की दोनों को ढूंढ लेगा। गेन्या फिर तांजिरो को बताता है कि रिपीटेटिव एक्शन बहुत सिंपल नहीं है लेकिन उसे एक बार मास्टर कर लेने के बाद वो काफी ज्यादा आसान लगने लगता है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो कुछ खास नहीं, बस यूजर को अपनी पास्ट बुरी मेमोरीज को बार बार याद करना है जो कि उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करती है। अपनी बुरी पास्ट मेमोरीज को याद कर यूजर की बॉडी में एक अलग सी पावर आ जाती है और अगर रिपीटेटिव मोशन की मदद से उसे यूज करना सीख लिया जाए तो उस पावर को यूजर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ये टेक्निक वाटर ब्रीदिंग से काफी ज्यादा अलग है। इसमें यूजर के सारे सेंसेस खुले होने चाहिए और उसका फोकस इंटेंस होना चाहिए। और फिर तांजिरो इसे ट्राई करता है। तांजिरो अपनी बुरी मेमोरीज को याद करने लगता है जो कि बेसिकली उसकी फैमिली के साथ बिताए हुए मोमेंट्स थे। फिर तांजिरो को रेनगोकू की बातें याद आने लगती है जो कि थी कीप योर हार्ट बर्निंग। स्टार्टिंग में तो तांजिरो को कुछ भी नहीं होता है लेकिन जब वो इन्हें बार बार रिपीट करता है तब तांजिरो में एक अलग सी पावर आ जाती है और वो स्लोली बट श्योरली उस पत्थर को हिला देता है, जो देखकर जेनित्सु और इनोस्के दोनों ही पागल हो जाते हैं। जेनित्सु सोचता है कि तांजिरो तो एक मॉन्स्टर है और दूसरी तरफ इनोस्के मोटिवेट हो जाता है खुद के पत्थर को हिलाने के लिए। एंड फाइनली इनोस्के भी आज उस पत्थर को हिला देता है और जेनित्सु ये देखकर हैरान था क्योंकि वो अकेला ही बचा था जिसने उस पत्थर को नहीं हिलाया था। तभी वहां पर जेनित्सु की स्पैरो आ जाती है जो कि उसके लिए एक लेटर लेकर आई थी और ये लेटर सीरीज में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब फाइनली तांजिरो जो कि उस पत्थर को हिला चुका था अब बहुत ज्यादा थक जाता है और जमीन के ऊपर लेट जाता है। तभी वहां पर एंट्री होती है द स्टोन हाशिरा ग्योमे की। ग्योमे तांजिरो को पानी पिलाता है, फिर ग्योमे तांजिरो की तारीफ करता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसने पत्थर हिला दिया था, इसलिए क्योंकि उसने स्वॉर्ड्समिथ विलेज में अपनी प्यारी बहन की जान से ज्यादा विलेजर्स की जान को इम्पोर्टेंस दी थी और ग्योमे इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था। तांजिरो से बताने की कोशिश करता है कि वो फैसला एक्चुअली में नेजुको का था, वो तो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ग्योमे फिर मन ही मन में बोलता है कि ये बच्चा स्पेशल है। ग्योमे बोलता है कि बच्चे कमजोर होते हैं लेकिन इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं और लोगों की जान की कीमत को नहीं समझते। ग्योमे फिर अपने मुंह से अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कुछ साल पहले वो एक मंदिर में एक ऑर्फनेज चलाता था जहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनकी फैमिलीज नहीं थी और इसलिए वो मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए थे। हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे और मुझे वो सारे बच्चे बहुत पसंद थे। ग्योमे हमेशा से चाहता था कि उनकी लाइफ हमेशा वैसी ही चलती रहे, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने मंदिर के रूल्स को नहीं माना और वो रात से पहले घर वापस नहीं आया और अनफॉर्चुनेटली उसकी
मुलाकात एक डीमन से हो गई, लेकिन सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए उस बच्चे ने डीमन को एक ऑफर दिया कि एक मंदिर के अंदर एक बड़ा इंसान और कुछ बच्चे हैं, तो अगर वो डीमन उसे छोड़ दे तो वो उसे मंदिर के अंदर जाने का रास्ता बताएगा, जिस पर वो डीमन मान जाता है। अब क्योंकि उस मंदिर वाले एरिया में काफी ज्यादा डीमंस थे, इसलिए ग्यो में हमेशा रात में मंदिर के आसपास विस्टेरिया फ्लावर जला देता था, जिसकी खुशबू से डीमंस वहां पर नहीं आते थे। लेकिन उस बच्चे ने उस दिन वहां से सारे विस्टेरिया फ्लावर्स को हटा दिया और वो डीमन मंदिर के अंदर घुस गया। उस डीमन के अंदर घुसते ही वो सीधा चार बच्चों को मार देता है। ग्यो में फिर बाकी के चार को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से तीन हड़बड़ाहट में वहां से भाग जाते हैं और ग्योमे की बात को नहीं सुनते। अनफॉर्चुनेटली वो डीमन उन्हें भी मार देता है, लेकिन एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था सायो, वो ग्योमे की बात को सुनकर उसके पीछे छुप जाती है और ग्योमे ठान लेता है कि वो सायो को नहीं मरने देगा। इसीलिए कमजोर होने के बाद भी ग्योमे उस डीमन से लड़ता रहता है और उसे नीचे गिराकर उसके मुंह पर पंच मारता रहता है, जब तक सुबह नहीं हो गई और सूरज नहीं आ गया और आखिर में उसने सायो को बचा लिया। लेकिन जैसे ही वहां पर लोग आए, सायो जो कि बहुत घबरा चुकी थी, वो सभी से कहती है कि इस मॉन्स्टर यानी कि ग्योमे ने सारे बच्चों को मार दिया, और यही चीज वो बार बार बोलती है, जिसकी वजह से ग्योमे को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और अगर मास्टर कगाया ने उसे बचाया नहीं होता तो अभी तक उसे मार दिया जाता। और बस तभी से ग्योमे किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन वो तांजिरो के सर पर हाथ रखता है और स्माइल करता है, ये कहते हुए कि तुम कुछ अलग हो, तुम ना ही भागते हो, ना ही डरते हो और ना ही छुपते हो, तुम बहुत ही सिंपल हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है, और इसलिए कभी भी अगर तांजिरो गलत रास्ता लेगा तो ग्योमे उसे रोकेगा। एंड फाइनली ग्योमे अनाउंस कर देता है कि तांजिरो ने पूरी एग्जाम को पास कर लिया है और पूरी हाशिरा ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। फिर तांजिरो वहां से गियो के पास जाने लगता है और वहीं रास्ते में उसे ज़ेनित्सु मिलता है, जो कि मेडिटेशन कर रहा था। तांजिरो को उसकी चिंता होने लगी थी क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से बात नहीं करी थी, इसीलिए तांजिरो ज़ेनित्सु से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब कोई मदद चाहिए हो तो तुम उसे बता सकते हो। लेकिन ज़ेनित्सु तांजिरो से बोलता है कि उसे समझ में आ गया है कि उसे क्या करना है और वो वही करेगा। तांजिरो से और भी कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेनित्सु कहता है कि तांजिरो तुम भी वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो जिस वजह से मैं तुम्हें शुक्रिया करता हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे करना ही होगा। और हम ज़ेनित्सु के इस सीरियस फेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काफी ज्यादा सीरियस है। तांजिरो फिर गियो के घर में जाता है और वहां पर वो गियो और सानेमी को स्पारिंग करता हुआ देखता है। उन दोनों की मूवमेंट्स इतने ज्यादा फास्ट थे कि उसे तो दिख भी नहीं रहा था कि लड़ाई हो कहां पर रही है। हालांकि वो दोनों रियल स्वॉर्ड्स नहीं बल्कि वुडन स्वॉर्ड्स यूज कर रहे थे, इसलिए उन दोनों की तलवारें ही टूट जाती है। फिर सानेमी ग्यू से बोलता है कि अब उनको हाथों से लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन तभी वहां पर तांजिरो आ जाता है। फिर ऑकवर्डली तांजिरो सानेमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सानेमी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे तांजिरो से दूर रहने के लिए बोला गया था। गियो फिर बताता है कि वो दोनों कोई सीरियस फाइट नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे के स्ट्रांग होने के लिए स्पारिंग कर रहे थे। फिर जब सानेमी गियो के घर से जा रहा था, तभी कोई चीज झाड़ियों में से उसका पीछा करती है और सानेमी उसे एक झटके में बाहर निकालकर मसल देता है और सोचने लगता है कि ये आखिर चीज क्या है। फिर हम पूरी आर्क का सबसे बेस्ट सीन देखते हैं, जब फाइनली कगाया अपने मेंशन पर लेटा हुआ था और ठीक आधी रात को कोई कगाया से मिलने आता है और कगाया उसे वेलकम करता है और बोलता है कि मुझे पता था कि हम दोनों कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, मुजान किबुत्सुजी। तभी मुजान बोलता है कि हेलो कगाया, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और इससे पहले मुजान कगाया को मार देता, कगाया अपना मास्टर प्लान यूज करता है। और एंड इसी कमाल के क्लिफहैंगर के साथ ये वाला आर्क, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, फाइनली खत्म हो जाता है। खैर, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं और आगे भी इसके पार्ट्स लाता रहूं, तो इस वीडियो पर यार एटलीस्ट 500 लाइक्स करवा दो। अगर तुमने 500 लाइक्स करवा दिए तो मैं हाथों हाथ ही इन्फिनिटी कैसल वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड क्योंकि डीमन स्लेयर इस पॉइंट से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। एंड बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।